हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे चिकित्सा का 10वां दिन है। जी हाँ, और मोडलिटी अभी तक मुझे दो ही दिखी है, बाकी देख रहा हूँ मैं, मेडिसिन कोई चल नहीं रही। लीवर का सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक चलाया नहीं है लीवर। जी कुछ पता नहीं मैं चलाऊं कि ना चलाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो शायद मैं ना ही चलाऊं लीवर, ऐसा ना हो कि लीवर थोड़ा उल्टा असर कर जाए। गर्मी बहुत है, ये लीवर के साथ ज़्यादा फीड खाएंगे तो गर्मी ज़्यादा है, जिससे हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अभी छोटा है, लेकिन अभी जितनी गर्मी पड़ रही है छोटे बच्चे को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। जी इसलिए जितना हो सके उतना गर्मी से बच्चे को बचाना है, और अगर बच्चा अभी से बचना शुरू हो गया तो लास्ट तक काफ़ी हद तक सही रहेगा काम। तो जगह में तो मैंने कल बढ़ा दी थी पूरी, परसों बढ़ाई थी सच, तो फीड भी काफ़ी अच्छी खासी खा रहे हैं, पानी भी बहुत अच्छा पी रहे, 800 लीटर के करीब पानी पी रहे हैं हमारा चिक्स 24 घंटे में। फीड के कट्टे भी कम से कम 7 कट्टे, 60 kg की बोरी होती है, 7 कट्टे 7.5 कट्टे एक दिन में खा रहे हैं, तो काफ़ी है। जी तो मेडिसिन अभी कोई चल नहीं रही हमारी, मेडिसिन मैंने कोई नहीं चलाई, कोई मेडिसिन नहीं। हो सकता है मैं लीवर भी ना दूं, गर्मी बहुत है, ऐसा ना हो कि कुछ उल्ट असर कर जाए लीवर, इसलिए मुश्किल हो जाएगा फिर, मैं इसलिए मैं दे नहीं रहा अभी, बाकी देखते हैं। पूरी मेडल्टी भी दो चार हो रही है, तो जो छोटे वर्ड हैं वो ही मर रहे हैं, बड़े मरेंगे तो मैं देखता हूँ PML कर क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से मेडिसिन चलेगी हमारी। बाकी गर्मी बहुत है, कल तो 48 टेम्परेचर चला गया था, तो जितना हो सके उतना चिक्स को बचा कर रखें। टाट पल्ली वगैरह भी हमारी सब कुछ रेडी है, तो 9:30 बजे के बाद मैं टाट पल्ली चालू कर देता हूँ, और जब ज़्यादा गर्मी होती है हद से ज़्यादा तो फिर मैं बीच में 10 मिनट के लिए फोकर भी ऑन कर देता हूँ, जिससे बच्चे को काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। जी तो देखिए, अगर किसी का हीट स्ट्रोक हो रहा है तो वो क्या करें? देखिए हीट स्ट्रोक कैसे होता है, जब बच्चे का टेम्परेचर बाहर से भी ज़्यादा हो जाता है और शरीर से भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उससे हीट स्ट्रोक हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चा हार्ट अटैक से या किसी चीज़ से मर जाता है। तो हीट स्ट्रोक ना होने दें, वो कैसे बचा सकते हैं आप? पैरासीटामोल की गोली ले लें, वो आपको देनी है। मैंने पहले भी बताया था पैरासीटामोल सबसे बढ़िया इलाज है हीट स्ट्रोक का। अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे तक आप वो गोली आप दे सकते हैं, जो खाएंगे जो पिएंगे पानी पैरासीटामोल वाला, तो वो 5-6 घंटे असर उसका रहेगा, जिससे वो उसकी दोपहर निकल जाएगी, तो साथ में उसके इलेक्ट्रोलाइट जिसे ग्लूकोज बोलते हैं हम, वो भी आप दे सकते हैं उसके साथ, मतलब कि 11 बजे के बाद, तो फिर देखना आपका हीट स्ट्रोक नहीं होगा। जी और अगर आपके पास फोगर हैं तो आप दोपहर को फोगर चला सकते हैं एक डेढ़ घंटे के लिए, अगर फोगर नहीं है तो आप स्प्रे वाला पंप कर सकते हैं अंदर, जहाँ नीचे से गीला कर सकते हैं थोड़ा,
जिससे बच्चे को राहत मिल जाए। ज़मीन गीली होगी थोड़ी तो बच्चे को काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। वो टाट पल्ली होनी ज़रूरी है। अगर आपके टाट पल्ली भी नहीं है, फोगर भी नहीं है, स्प्रिंकलर भी नहीं है, तो फिर हीट स्ट्रोक तो होगा ही होगा। फिर तो चाहे कोई भी मेडिसिन दे दो, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठंड बाहर हवा जो अंदर गर्म नहीं आनी चाहिए, अंदर गर्मी कम रहनी चाहिए। और दूसरा पैरासीटामोल की गोली देना और इलेक्ट्रोलाइट देना। उसके बाद दही दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें देकर आप हीट स्ट्रोक से उनको बचा सकते हैं। और इससे वज़न भी बढ़ जाता है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये महंगी नहीं है, सस्ता इलाज है, तो आप इसे कर सकते हैं। हर कोई कर सकते हैं आराम से। तो पैरासीटामोल की गोली जो है, अगर चिक्स आपका 10 से 15 दिन का है, तो 60 kg के हिसाब से एक गोली चलेगी। अगर आपका चिक्स 15 से 25 दिन का है, तो 50 kg। अगर 25 से ज़्यादा है उम्र का चिक्स, वजन 25 के ज़्यादा उम्र का है, तो फिर आपको गोली चलेगी 40 से 45 kg के हिसाब से पर एक गोली। इस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं 1 ग्राम 1 लीटर के पानी में जी। अगर आपकी टंकी 1000 लीटर की है, तो 1 kg इलेक्ट्रोलाइट चला वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। अगर आपने फोगर टाट पल्ली कुछ नहीं लगाया, तो भाई फिर आपने गलती की चिक्स डालकर, क्योंकि चिक्स नहीं डालना चाहिए था। पहले तैयारी करते फिर चिक्स डालते, और पंखे भी चाहिए जी। और अभी 14-15 दिन के बाद पंखे भी चलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैं पंखा नहीं चला रहा, लेकिन अभी चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। चिक्स मैं ऊपर कर दूंगा तो अभी पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। ऊपर तो मैंने फोगर लगवाए नहीं है, लेकिन स्प्रिंकलर है, टाट पल्ली है, और भी काफ़ी है। तो कोशिश तो ऊपर बच्चा मैं चढ़ाऊँगा 2000 सिर्फ। तो इसलिए पहले तैयारी कर लें, उसके बाद ही चिक्स मंगवाएं। अगर जिसने मंगवा लिया है, तो उसके लिए मैंने समाधान दे दिया है आपको। तो आप ये चीज़ें करके देखना, हीट स्ट्रोक से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी आपको। तो कोशिश करें कि 35-36 दिन में ही अपना चिक्स उठवा दें, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। इसलिए 35-36 दिन में ही चिक्स अपना उठवा दें तो सही रहेगा जी। अगर 1700-1800 ग्राम एवरेज आ जाती है जब मर्जी, तो तब भी आप उठवा सकते हैं उसे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कल। अभी इन दिनों में मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। वो काफ़ी लोग बुरा मान रहे हैं, देखिए बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी काफ़ी कामों में फंसा हुआ हूँ, घर के कामों में, फार्म के कामों में, जिससे मैं अभी फ़ोन कॉल्स वगैरह मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जितना हो सके उतना तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप भी समझिए प्लीज़। मैं काफ़ी हद तक ट्राई कर रहा हूँ मैसेज रिप्लाई करने की, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि फार्म को भी टाइम देना है, घर भी जाना है, और भी कई जगह पर मैं जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। और थोड़ा सा फीवर भी है, आपको लग भी रहा होगा कि थोड़ा मैं ढीला ढीला बोल रहा हूँ। तो इसलिए सेहत सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, तो ये फार्म भी संभाल पाऊँगा। टाइम उतना है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं बंदा रखा होता या फार्म में, तो फिर तो टाइम ही टाइम था मेरे पास। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत कम टाइम है, और मैं फ्री जल्द हो जाऊँगा। जब फ्री होऊँगा सबसे पहले आप लोगों का रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। बाकी काफ़ी लोगों के जो जो मुझे बोलते हैं, उस हिसाब से मैं वीडियो बना तो रहा हूँ। हो सकता है आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाए इन वीडियो से, तो आप पूरी वीडियो देखना और हीट स्ट्रोक से अपने बच्चे को बचाना। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए।